Hello, good morning. We have read some things in earlier class about cell, just like cell membrane, cell wall, and more knowledge about cells. Today we read about second part of cells, I mean nucleus. What is nucleus? As we heard, nucleus nucleus is a central part of cell. Nucleus is one of the most important part of cell. Nucleus control near about all work of cell. Nuclear helps for division of cell. So we know what is nucleus. First we see diagram. Center part of cell is called nucleus. Nucleus double layered coverage. Double layered coverage is called nuclear membrane. What is nucleus? Nucleus is the central part, dot like part of cell. It has two layered, it has double layered, that is called nuclear membrane. In it we can see gel. The gel is called nucleoplasm. Kendrak drav. इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्रोमेटिन कहते हैं. क्रोमेटिन नेटवर्क भी कह सकते हैं आप इसको. क्रोमेटिन नेटवर्क इसके अंदर होता है, जो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है. इट इज कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. ये डबल लेयर्ड कवरेज जो है, इसके अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं, बहुत सारे छिद्र होते हैं, जो अंदर के न्यूक्लियोप्लाज्म को जीव द्रव में जाने में मदद करते हैं. जीव द्रव से, साइटोप्लाज्म से बहुत सारी चीज को इसके अंदर आने में मदद करते हैं. It has lot number of pores. It allows ins and outs, the material of cell, the material of nucleoplasm. हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि what is nucleus. तो nucleus is the central part of cell. Central dot of each cell. प्रत्येक कोशिका के अंदर ठीक बीच में
एक डॉट जैसी रचना होती है, एक स्फेरिकल रचना होती है। ओवल, एक स्फेरिकल रचना लाइक ओवल जो होती है, इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। जब हम लोग न्यूक्लियस जान लिया तो इसमें यह जानना है कि नियर अबाउट हाउ मेनी पार्ट्स इन न्यूक्लियस। तो फर्स्ट पार्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे पोर्स होते हैं। पोर्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डबल लेयर्ड होता है, डबल लेयर्ड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो पोर्स होते हैं, इट अलाउज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स मेटेरियल्स इन्स एंड आउट्स। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं डायग्राम में कि न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म है, यह है साइटोप्लाज्म और अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर की मटेरियल्स साइटोप्लाज्म में जाने के लिए और साइटोप्लाज्म का मटेरियल्स न्यूक्लियोप्लाज्म में आने के लिए इस पोर्स पर डिपेंड करता है। इसके अंदर बहुत सारे जो छिद्र हैं, इस छिद्र पर वो डिपेंड करता है। इसके द्वारा मटेरियल्स इन्स एंड आउट्स हो सकता है, इसके द्वारा मटेरियल्स इन्स एंड आउट्स हो सकता है। न्यूक्लियस प्ले ए सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, इसके फंक्शन में इसको हम लिख सकते हैं। फंक्शन में आप डाल सकते हैं प्ले, न्यूक्लियस प्ले ए सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेलुलर रिप्रोडक्शन एक कोशिका से दो कोशिका जो बनता है उसमें जो सबसे बड़ा रोल जो होता है वह न्यूक्लियस का होता है। अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं हो तो डिवीजन नहीं हो सकता, उसके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता। कोशिका एक से दो बनता है, दो से चार बनता है जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो ये दोनों चीज जो होता है ये किसके द्वारा होता है, तो न्यूक्लियस के जरिए होता है, बाय न्यूक्लियस। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेलुलर रिप्रोडक्शन में, विदाउट सेलुलर रिप्रोडक्शन ये काम नहीं कर सकते। जैसा कि हम लोग जानते हैं माइटोसिस म्यूसिस के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर, इसके जरिए हमारे बॉडी के अंदर सेल जो है जनरेट करता है। तो हम लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव सेल जो है वो म्यूसिस के जरिए प्रोडक्ट होता है, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो न्यूक्लियस का होता है। न्यूक्लियस के जरिए एक तो इसका फंक्शन ये हुआ, दूसरा न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस प्रोडक्ट आरएनए, प्रोडक्ट आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसाइज। न्यूक्लियर के अंदर एक बहुत अच्छा काम यह भी होता है कि आरएनए को डेवलप करता है, आरएनए को प्रोडक्ट करता है, और ये आरएनए जो है हमारे सेल के अंदर जो प्रोटीन मिलता है वो इस आरएनए की वजह से मिलता है। अगर आरएनए डेवलप नहीं करे न्यूक्लियर तो फिर प्रोटीन का डेवलपमेंट नहीं होगा, प्रोटीन हमारे बॉडी सेल्स के अंदर नहीं होगा, तो उसकी बहुत सारी एक्टिविटी जो है
अफेक्टेड होगी। ये इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, इसको भी हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग कुछ चर्चा करेंगे क्रोमेटिन नेटवर्क के बारे में। क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागे जैसा रचना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये धागे जैसी रचना है, इसके ऊपर, इस थ्रेड के ऊपर डीएनए होता है। द थ्रेड अटैच, इसको अगर वन कर दें, द थ्रेड अटैच विथ डीएनए लाइज, थ्रेड लाइज डीएनए। DNA on it. इसके ऊपर बहुत सारे DNA होते हैं, इस थ्रेड के ऊपर बहुत सारे DNA होते हैं। DNA जो है बाप माँ के अंदर जो गुण होता है, पेरेंट्स के अंदर जो हेरिडिटी फीचर्स होता है, उसको नस्ल में जेनरेशन के अंदर ट्रांसफर करता है। The DNA transfer in heredity characters from parents to next generation. To offspring, to children, to new tissues, to new cells. तो DNA का बहुत important role है। किसी भी इंसान के अंदर, किसी भी जानवर के अंदर, किसी भी पौधे के अंदर जो inheritance characters होता है, ये heredity characters जो है कौन carried करता है? तो nucleus के अंदर ये जो chromatin network है, इसके ऊपर जो DNA होता है, ये DNA इसको carried करता है। तो डीएनए का काम क्या है? हेरिडिटी कैरेक्टर्स को, हेरिडिटी फीचर्स को पेरेंट्स से उसके जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करना, ये डीएनए का काम है। डीएनए के ऊपर जीन्स होता है, छोटा छोटा यूनिट, फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए इज जीन्स, इज जीन्स। डीएनए इज ए हेरिडिटी यूनिट, जीन इज ए हेरिडिटी यूनिट, बट डीएनए इज ए हेरिडिटी मटेरियल, डीएनए इज ए हेरिडिटी मटेरियल। तो हमने देखा कि क्रोमेटिन जो है ये धागे जैसी रचना है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा हमने ये देखा कि द थ्रेड लाइज डीएनए ऑन इट, इस थ्रेड के ऊपर डीएनए मौजूद होता है, इस थ्रेड के ऊपर डीएनए मौजूद होता है जो पेरेंट्स के हेरिडिटी कैरेक्टर्स को, हेरिडिटी फीचर्स को नेक्स्ट जेनरेशन के अंदर ट्रांसफर करता है। अच्छा, बिफोर डिवीजन ऑफ सेल, किसी भी कोशिका के विभाजन से पहले ये क्रोमेटिन नेटवर्क के रूप में मौजूद होता है, लेकिन जैसे ही कोशिका बूढ़ा हो गया या जैसे ही सेल मरने वाला है, वो ख़त्म होने वाला है, तो अपने मरने से पहले, अपने ख़त्म होने से पहले उसमें डिवीज़न होता है। डिवीज़न में ये क्रोमेटिन नेटवर्क जो है कन्वर्ट कर जाता है क्रोमोसोम में, ये क्रोमोसोम बन जाता है जो विजिबल है, दैट कैन बी सीन। क्रोमेटिन get organized into the chromosome, chromosome before division. Before cell division,
बिफोर सेल डिवीजन, बिफोर डिवीजन न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन लाइक ए क्रोमेटिन, लेकिन जब इस सेल्स को खत्म होना है, जब इस सेल्स को डिसॉल्व होना है, जब इस सेल्स को डाई होना, उससे पहले इसमें डिवीजन होता है। अब वो एक कोशिका दो कोशिका में परिवर्तित हो जाता है, एक सेल दो सेल में बट जाता है, उस वक्त ये क्रोमेटिन जो है गेट ऑर्गेनाइज इनटू द क्रोमोसोम बिफोर डिवीजन, बिफोर सेल डिवीजन। सेल से पहले ये क्रोमेटिन जो है क्रोमोसोम में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। क्रोमोसोम को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? गुणसूत्र, गुणसूत्र। एक गुणसूत्र की जो नंबर होती है डिफिनिट होती है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर फिक्स्ड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे एग्जांपल के लिए ह्यूमन के अंदर 46 है, सारे इंसान चाहे वो यूरोप के हों, अमेरिका के हों, इंडिया के, अरब के हों, कहीं के भी हों, ह्यूमन का जो क्रोमोसोम्स जो नंबर है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन 46, पोटैटो में 48, टोमेटो में 24, ये फिक्स होता है। टोमेटो के अंदर क्रोमोसोम्स जो है 24, ह्यूमन के अंदर 46, पोटैटो के अंदर 48, ड्रोसोफिला के अंदर 8, मेज मकई के अंदर 20। दुनिया का कहीं का भी मेज हो, उसका क्रोमोसोम नंबर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 20 होगा। ड्रोसोफिला कहीं का हो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 8। यूरोपियन अमेरिकन इंडियन एनी कंट्री सबके लिए, जो भी ह्यूमन है सबके लिए क्रोमोसोम नंबर जो है 46 ही होगा। आलू कहीं का भी ले लीजिए, पोटैटो कहीं का भी ले लीजिए, तो उसके लिए जो क्रोमोसोम होगा 48 होगा। ये क्रोमोसोम जो है डिवीजन से पहले विजिबल है, डिवीजन से ठीक जस्ट पहले जब अबाउट डिवीजन होता है सेल, तब ये नजर आता है क्रोमोसोम, नहीं तो वो हमेशा क्रोमेटिन के शक्ल में रहता है, इन फिगर ऑफ क्रोमेटिन। लेकिन जैसे ही डिवीजन होने वाला है, क्रोमेटिन कन्वर्ट हो जाता है, गेट ऑर्गेनाइज इनटू द क्रोमोसोम, ये तुरंत क्रोमेटिन परिवर्तित हो जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। इसी क्रोमोसोम की सहायता से, इसी की हेल्प से कोशिका के अंदर डिवीजन होता है। इसमें फाइबर्स है और फिर इसके अंदर और बहुत सारा फंक्शन है जिसको हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक हम लोग को इतना ही जानना काफ़ी है। तो क्रोमेटिन के बारे में जितने सवाल आते हैं लगभग हम लोगों ने सब आपस में कर लिए। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये कब तक क्रोमेटिन रहता है? जब तक डिवीजन ना हो। जैसे ही डिवीजन का टाइम होता है तो ये क्रोमेटिन कन्वर्ट कर जाता है क्रोमोसोम में, और क्रोमोसोम के हेल्प से किसी भी सेल का डिवीजन होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि हर लिविंग्स के लिए अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। टोमेटो में 24, ह्यूमन में 46, पोटैटो में 48, मेज में 20, ड्रोसोफिला में 8। इस तरीके से हम लोगों ने इसके बारे में जान लिया। क्रोमोसोम्स के बारे में भी कुछ हम लोग जाने। क्रोमोसोम्स कंटेन्स हेरिडिटरी फीचर्स from chromosome contains heredity feature from parents to next generation. chromosome जो है यही जो है heredity features को parents से जेनरेशन में पहुंचाता है। किसके द्वारा? बाय डीएनए, बाय डीएनए।
सो वी कैन से डीएनए इज ए हेरिडेटरी मटेरियल. डीएनए इज ए हेरिडेटरी मटेरियल. डीएनए इज ए हेरिडेटरी मटेरियल, लेकिन डीएनए के ऊपर भी यूनिट होता है जिसको हम लोग जीन कहते हैं. उसके ऊपर जो होता है जिसको हम लोग जीन कहते हैं, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज ए जीन. फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज जीन. तो व्हाट इज जीन? जीन इज हेरिडेटरी यूनिट. हेरिडेटरी यूनिट ऑफ सेल. ये एक डिफरेंस आप देख सकते हैं. डीएनए क्या है? तो डीएनए इज हेरिडेटरी मटेरियल ऑफ सेल. और जीन क्या है? तो जीन इज हेरिडेटरी यूनिट ऑफ सेल. ये डीएनए, जैसा कि हम जानते हैं कि क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए होता है और डीएनए के ऊपर जीन होता है. जीन, डीएनए, क्रोमोटीन. एक क्रोमोसोम में कई क्रोमेटीन हो सकते हैं और हर क्रोमेटीन के ऊपर डीएनए होता है और डीएनए के ऊपर जीन होता है. ये जो है पेरेंट्स के हेरिडेटरी कैरेक्टर्स को बच्चों के अंदर ट्रांसफर करता है, उनके अगली नस्ल के अंदर ट्रांसफर करता है. सो हम लोग समझ सकते हैं कि क्रोमोसोम कितना ज़रूरी है. और जहाँ तक हम लोग देख चुके, क्रोमोसोम का नंबर हर स्पीसीज़ के लिए अलग अलग होता है. ह्यूमन के लिए अलग है, टमाटर के लिए अलग है, साग के लिए अलग है, पोटैटो के लिए अलग है. उसको याद कर लेना, चूंकि पूरी दुनिया का एक ही होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता. तो न्यूक्लियो मेम्ब्रेन जो है सिंगल लेयर्ड है या डबल लेयर्ड है, तो हम लोगों ने जान लिया कि इसके चारों तरफ न्यूक्लियर के जो मेम्ब्रेन होता है वो डबल लेयर्ड है. कैसा होता है? तो उसमें बहुत सारे लॉट नंबर ऑफ पोर्स होते हैं. उस पोर्स का काम क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म में जाने में मदद करता है. इसके बीच क्रोमेटिन का काम क्या है, इसको भी हम लोग जान चुके. और न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा न्यूक्लियस टाइप होता है. न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा न्यूक्लियस बाज में होता है, कुछ में नहीं होता. इसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं. न्यूक्लियोटाइड, जिस सेल्स में एक्टिविटी ज्यादा होती है उसमें न्यूक्लियोटाइड 1000 से ज्यादा हो सकता है, और जिसमें एक्टिविटी कम होती है उसमें न्यूक्लियोटाइड नहीं भी होता. तो कुछ न्यूक्लियस में न्यूक्लियोटाइड अंदर होता है और कुछ में न्यूक्लियोटाइड अंदर नहीं होता है. चलिए, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि कोशिका में का डिवीजन केंद्र के आधार पर भी किया जा सकता है. तो केंद्र के आधार पर अगर हम इसका डिवीजन करेंगे तो कैसे करेंगे, उसके बारे में भी हम लोग इस क्लास के साथ डिस्कशन करते चलें, नहीं तो वो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का डिस्कशन रह जाएगा. प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियस का कोई मेम्ब्रेन नहीं होता और न्यूक्लियस उसके अंदर नजर भी नहीं आता है. द रीजन ऑफ न्यूक्लियस ड्यू टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स. और उस दिन बात हुई थी कि अगले क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे, आज हम लोग करेंगे. प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होता है वो बहुत छोटा होता है साइज में, और यूकैरियोटिक सेल्स जो होता है वो बहुत बड़ा होता है. 1 से 10 माइक्रोमीटर तक का प्रोकैरियोटिक सेल्स हो सकता है,
और 5 से 100 माइक्रोमीटर तक का यूकेरियोटिक सेल्स हो सकता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, लेकिन यूकेरियोटिक के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, कवर्ड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, लेकिन यूकेरियोटिक के अंदर कवर ऑर्गेनेल्स देखे जा सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक क्रोमोसोम हो सकता है, लेकिन यूकेरियोटिक के अंदर एक से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं। तो हम लोग देख लें व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकेरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकेरियोटिक सेल्स, साइज स्मॉल, इसका साइज आप लेंगे तो लार्ज, ये 5 to 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, ये 1 to 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, एब्सेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, साइज स्मॉल, ऑर्गेनेल्स कवर्ड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। कवर्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट लाइक राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम इटीसी। इसमें ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जिस ऑर्गेनेल्स की डिस्कशन हम लोग अगले क्लास के अंदर करेंगे। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिंगल होता है, सिंगल क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम। मोर देन वन क्रोमोसोम, मोर देन वन क्रोमोसोम। यस, ग्रेट डिफरेंस यू कैन सी हियर। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस के आधार पर जब हम इसका डिफरेंस करते हैं, फर्क करते हैं, तो इसमें देख रहे हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां एब्सेंट है और यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। यहां कवर ऑर्गेनेल्स लगभग नहीं पाए जाते राइबोसोम को छोड़कर, राइबोसोम यहां पाए जाते हैं, लेकिन यहां कवर ऑर्गेनेल्स सब पाए जाते हैं, कवर ऑर्गेनेल्स सब पाए जाते हैं, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम ईटीसी। यहां सिंगल क्रोमोसोम होता है और यहां मोर देन वन क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम से हमेशा अधिक रहेगा, 2, 3, 4, जैसे इंसान में 46 क्रोमोसोम है, पोटैटो में 48 है, टोमेटो में 24 है, तो मोर देन। लेकिन यहां प्रोकैरियोटिक एग्जांपल्स क्या है, तो इसके एग्जांपल्स हैं अमीबा, इसके एग्जांपल्स है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। एग्जांपल में आप लिख लें बैक्टीरिया
साइनोबैक्टीरिया इसमें सारे जंतु आ गए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया, वो सब इसके एग्जाम्पल हैं और यहाँ इसके एग्जाम्पल जो है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। इस तरीके से हम लोगों ने लगभग न्यूक्लियस को क्लियर कर लिया। न्यूक्लियस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। हाउ वी डिफरेंट प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स न्यूक्लियस से रिलेटेड था, इसको भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया। चलिए अब हम लोग केंद्रक को समाप्त करने के बाद, इसको खत्म करने के बाद एक छोटे से ऑर्गेनेल्स का चर्चा आज करते चलें, इसलिए कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग को कोशिश करना है कि सेल को हम लोग फिनिश कर दें कंसेप्ट के साथ इजी वे में, तो कुछ काम आज भी हम लोग को करना होगा। हर इंसान को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, सेल्स को काम करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। सेल्स को काम करने के लिए एनर्जी कहाँ से आता है? एनर्जी रिस्पायरेशन के जरिए आता है। तो सेल्स में कौन ऐसी जगह है, कौन ऐसा ट्रांसफार्मर है, कौन ऐसा ग्रिड है जहाँ एनर्जी प्रोड्यूस भी होता है, सेफ भी रहता है, उसको सेल में क्या कहते हैं? सेल में वो इंपॉर्टेंट जगह जो उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, इसका नाम ही है पावर हाउस ऑफ सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल्स, ऊर्जा गिरा, कोशिका का ऊर्जा गिरा, कोशिका का ऊर्जा गिरा, कोशिका का ऊर्जा गिरा, ये हर कोशिका के अंदर पाया जाता है। समझ लीजिए कि उसका ये ट्रांसफार्मर है, उसका ये जनरेटर है, उसका ये ग्रिड है, जहां सिर्फ एनर्जी पैदा ही नहीं होता बल्कि एनर्जी एटीपी के रूप में सेफ भी रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी एटीपी के रूप में सेफ भी रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का पहले हम लोग डायग्राम बना लें। इसमें दो लेयर पाए जाते हैं आमतौर पर, एक एक्सटर्नल लेयर, एक इंटरनल लेयर। आउटर लेयर, इनर लेयर। इनर लेयर को ही हम लोग क्रिस्टी भी कहते हैं, इसे हम लोग क्रिस्टी भी कहते हैं। इसके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है इसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स। रिस्पायरेशन जो हम लोग करते हैं तो दो स्टेप में रिस्पायरेशन होता है, जिसको 10th क्लास में आप लोग एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप में जो हमारा श्वसन क्रिया जो है, रिस्पायरेशन एक्टिविटी जो है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जहाँ पार्शियल रिस्पायरेशन होता है, आंशिक, उससे हमें पूरी ऊर्जा हमें नहीं मिलती है। लेकिन हमारा रिस्पायरेशन, हमारा श्वसन जो कंप्लीट होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीट होता है। इसके अंदर कंप्लीट रिस्पायरेशन होता है, पूरा ऑक्सीडेशन होता है, और हम बहुत सारी एनर्जी हम गेन करते हैं। उस एनर्जी को एटीपी के रूप में हम लोग सेव करते हैं, उस एनर्जी को एटीपी के रूप में हम लोग सेव करते हैं, एटीपी। इसको हम लोग एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट भी कहते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है यूनिट है, जिसके अंदर जो एनर्जी हमको प्राप्त हुआ, वी रिटेन द एनर्जी डेट इज सेफ इन एटीपी, डेट इज सेफ इन एटीपी। हम लोगों ने जो भी एनर्जी प्राप्त किया रिस्पायरेशन के बाद,
तो वो जो ज़रूरत है वो तो हम इस्तेमाल करेंगे, जो ज़रूरत नहीं है तो वेस्ट नहीं होगा। उसको एटीपी जो है अपने अंदर संचित कर लेता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है, स्टोर रूम ऑफ एनर्जी। सेल एनर्जी कर ली तो और भी अच्छा, स्टोर रूम ऑफ सेल एनर्जी। एटीपी जो है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है, ये स्टोर रूम है क्या चीज का, तो सेल एनर्जी को, ऑफ सेल एनर्जी। इसमें एटीपी रहता है अकॉर्डिंग टू नीड, यहां से सप्लाई होता है अकॉर्डिंग टू नीड। लेकिन जनरेटर को भी तेल चाहिए, जनरेटर को भी तेल चाहिए, अगर तेल नहीं हो तो जनरेटर नहीं चल सकता। तो माइटोकॉन्ड्रिया को भी अपनी एनर्जी की कुछ चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए, अपना राइबोसोम होता है, अपना सेल्फ। माइटोकॉन्ड्रिया हैव ओन डीएनए एंड राइबोसोम, इसका अपना डीएनए और अपना माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए, अपना राइबोसोम होता है, जिसके द्वारा जिस अपना डीएनए और अपना आरएनए होता है, राइबोसोम होता है, जिसके जरिए ये अपनी प्रोटीन, अपनी एनर्जी खुद से ही क्रिएट कर लेता है। अपने जीने के लिए जो एनर्जी है ये खुद क्रिएट कर लेता है, पूरे कोशिका के लिए जीने के लिए जो एनर्जी है वो एटीपी के रूप में इसमें संचित रहता है। तो इसमें भी दो लेयर्ड हैं, एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर। इनर लेयर अंदर की ओर मुड़ा होता है, जिसको हम लोग क्रिस्टी भी कहते हैं। हाँ, और इसके अंदर जो प्लाज्मा पाए, इसके अंदर जो जीव द्रव, इसके अंदर जो लिक्विड है, उस लिक्विड को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म भी हम जान चुके, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है, तो स्टोर रूम ऑफ सेल एनर्जी। इस तरीके से लगभग माइटोकॉन्ड्रिया को भी हम लोग आज जान चुके हैं, और इसके बारे में कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग नोट कर लें, और इस तरीके से हम लोग अपनी क्लास को फुलफिल करें। आज हम लोगों ने डिटेल्स में न्यूक्लियस को जाना, और साथ में साइटोप्लाज्म के एक ऑर्गेनेल्स का भी चर्चा किया, पावर हाउस ऑफ सेल, या नॉन एज माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना, बिल्कुल इजी डायग्राम है। हम लोगों ने आउटर इनर इसका लेयर भी बनाया, आउटर लेयर बाहर के हिस्से को कवर करता है, और इनर लेयर अंदर फिंगर के लाइक ए फिंगर वो अंदर मुड़ा रहता है, उंगली जैसा मुड़ा रहता है, जिसको हम लोग क्रिस्टी भी कहते हैं। तो आज के लिए कुछ क्वेश्चन है, इसको नोट कर लिया जाए। व्हाट यू नो अबाउट न्यूक्लियस, what is difference between prokaryotic and eukaryotic cells? What do you know about mitochondria? Why we say powerhouse of cell? What you know about mitochondria? ये तीन क्वेश्चन है, इसको करने की आप कोशिश करेंगे। बायोलॉजिकल फंडा के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करना चाहूँगा। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि हाउ टू टेक बाथ, नहाना कैसे है। एक स्टूडेंट्स के लिए ब्रेन पावर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके कि हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी हमारे पूरे बॉडी को मजबूत करने का, इसका सही उपयोग करने का तरीका भी हमें बताता है। अगर डेली हम लोग सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग दो कागजी बादाम को रात में फुला ले पानी में, सुबह में किसी पत्थर पर रगड़ के उसको अगर चाट लें,
तो उससे ब्रेन पावर काफ़ी डेवलप करता है। अब बिफोर स्लीपिंग विदाउट फेल एनी डे, बिफोर स्लीपिंग सोने से पहले सर में तेल लगाया जाए। ठंडे के दिनों में सबसे बेहतरीन और सबसे शुद्ध तेल जो है सरसों का तेल, और गर्मी के दिनों में सबसे शुद्ध और बेहतरीन जो है कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। बाकी जितना तेल है वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन इन दोनों तेल के बारे में तो हम एश्योरेंस दे सकते हैं कि ये दोनों तेल आपके ब्रेन को भी डेवलप करेगा, आई सेट को डेवलप करेगा, हेयरिंग पावर को डेवलप करेगा, स्मेलिंग पावर को डेवलप करेगा। लेकिन आमतौर पर लोगों को पता नहीं कि किस वक्त हमें तेल सर में लगाना है। लोग नहाते हैं, बाल भींगा ही रहता है, उसमें तेल लगा लेते हैं, और जब वो बाहर जाते हैं तो पोल्यूशन के जरिए उनके सर में धूल जमता है, उनको डैंड्रफ क्रिएट होता है, उनके पूरे बाल झड़ जाते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। लोग परेशान हो रहे हैं कि बाल गिर क्यों रहा। भींगे बाल में तेल लगाना कहीं से साबित नहीं है, कहीं से अच्छे लोगों की पहचान नहीं है। सबसे बेहतरीन तेल लगाना जो लड़कों के लिए है वो बिफोर स्लीपिंग, और लड़कियों के लिए शाम के वक्त में सर में तेल लगाए। सुबह में नहाइए लेकिन बाल को ड्राई रखिए। तेल हमेशा सोने से पहले लगाइए, सुबह तक पूरा तेल एब्जॉर्ब हो जाएगा, उससे आई साइट बढ़ेगा, हेयरिंग पावर बढ़ेगा, स्मेलिंग पावर बढ़ेगा और आपके अंदर ग्लोइंग आएगा। ओके, हैव ए गुड डे, नाइस डे, थैंक यू।